कुत्ते हैं ना सब, कुत्तों सब कुत्तों का नाम बच्चों का नाम पकड़वाते हैं, कहते ठाकुर का नाम कैसे रख लेंगे हैं? ये सब पुराना नाम क्या, अभी तो हम अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं बच्चों को, अंग्रेजी नाम नहीं भैया। वृंदावन गए हो? कौन कौन वृंदावन गए? आप देखना वहां पर एक इस्कॉन टेम्पल में जाना, अंग्रेजी लड़कों को देखना, रशिया अमेरिका लंदन फ्रांस देखना, बच्चों को नाम पूछना, कृष्णा गोविंदा दामोदर ऋषिकेश सब ठाकुर का नाम। हम तो गुड नाइट गुड इवनिंग कहते नहीं, हरे कृष्णा राधे राधे वो भगवान का नाम, राम राम ठाकुर का वो नाम। वो पूरा हमारी संस्कृति को आप देखोगे, छोटी तिलक इतनी मोटी मोटी छोटी कलाज कंठी तिलक लगा करके वो घूम रहे देखोगे हैं देवता जैसे, वो हमारी संस्कृति को अपना रहे। और हम लोग जो खा करके फेंक दिया है झूठे को, हम वो चीज को अभी उनकी रहन सहन खान पान नहीं भैया, शांति हो तो हमारी संस्कृति में शांति। कभी जाकर देखना लड़कियों को सर के ऊपर कपड़ा, बगैर कपड़े के लड़कियों को नहीं नहीं देखोगे, हाथ में माला देखोगे, तिलक कंठी देखोगे, सर से कपड़ा नहीं। रसिया में लड़कियां सरकार से लड़ाई कर रहे हैं, जानते हो क्यों? कहते हम ये साड़ी पहन करके क्यों नहीं जाएंगे कॉलेज में, सरकार में कुछ दिन बाद में रसिया जाऊंगा, लड़ रहे हैं सरकार से, लेकिन हमारे भारत के बोले हम जीन्स पहन करके नहीं जाए। भैया वो कहां हमारी संस्कृति को ग्रहण कर रहे, और हम लोग उनकी जीन्स पहन करके निकल नहीं जाएंगे, वो हमारी संस्कृति को ग्रहण करना चाहते हैं, इसमें शांति सुख है, है? इसलिए भैया हमारी भारतीय संस्कृति अनमोल संस्कृति है। यहाँ पर जैसे माताएं बैठे हुई है घूंघट लगा करके बैठे हैं, सबके सब भगवान की भक्ति करते हैं, इसलिए आप लोग कोशिश करना ये पाश्चात्य सिखा जब तक तुम्हारे घर में नहीं घुसा ना, तब तक देखना तुम्हारे घर में शांति बन कर रहेगी। जब ये पाश्चात्य सिखा घुस जाएगी ना, इतने लड़ाई झगड़ा अशांति, अभी बता रहे ना करोड़ों लोग जब तक टैबलेट नहीं खाते ना वो नींद नहीं सोते, इतने डिप्रेशन वहां के लोगों के। भक्ति आनंद तो प्रभु की भक्ति में, इसलिए सबके सब बच्चों का नाम ठाकुर का नाम धरवाना, उल्टा पुल्टा नाम नहीं धरवाना, ठीक है? बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, जिनका बच्चों का नाम ठाकुर का नाम नहीं मेरे पास में ले आना, जो अक्षर उनका नाम है दिए हो मेरे पास में ले आना, सब बच्चों का तुम्हारे नाम बदला दूंगा, सब भगवान की ठाकुर जी का नाम कर दूंगा। जितना बार कम से कम बच्चों को बुलाओगे उतना बार जीवा से हमारे ठाकुर जी की नाम निकले, बच्चा कल्याण तुम्हारी कल्याण घर में सबका कल्याण कर जा रहे। अभी भगवान वामन देव आने वाले, कहते देवता दैत्य में युद्ध होता था, देवता मरते मर जाए, दैत्य मरते इनका गुरु जी जिंदा कर दिए। ठाकुर जी को पूछे अमर कैसे बने, बोले समुद्र मंथन करो, समुद्र मंथन से अमृत पी करके अमर बन गई। जब वहां से मंथन से सबसे पहले हलाहल बीस निकला, श्री भोले बाबा को मनाया तो शंकर जी टन के टन उन्होंने बीस पान करके गले में धारण कर लिया, इसलिए शंकर जी का एक नाम हो गया नीलकंठ। बोले श्री नीलकंठ महादेव की, फिर समुद्र मंथन हुई, माँ लक्ष्मी निकली। अभी लक्ष्मी किसको नहीं चाहिए, दुनिया को चाहिए, सब लड़ने लगे। लक्ष्मी बोली ऐसे नहीं, लाइन होकर खड़े हो जाओ, मैं अपना मनमर्जी पति चुनूंगी। तो उन्होंने सबका अंदर में कुछ दोष दिखी, जब भगवान नारायण को सामने गई सर्वगुण परिपूर्ण ठाकुर जी को दिखा, उन्होंने उनकी गले में माला डाल दिया। बोले श्री लक्ष्मी नारायण की जय। मंथन हुई तो धन्वंतरी ने अमृत कलश लेकर था, दोनों में लड़ाई हुई, और इतने में देवता छीन लिया था, ठाकुर जी वामन भगवान बन करके आए और उन्होंने दैत्यों को वंचित करके अमृत उन्होंने श्री देवताओं को पिला दी। जब देवता को अमृत पिला दी, फिर दोनों में घमासान लड़ाई हुई, सारे दैत्यों को मारना शुरू की। ब्रह्मा जी आकर के रुके, फिर बृहस्पति जी आकर के उन्होंने पुनः श्री शुक्राचार्य जी आकर के चेलो को जिंदा कर दी। श्री बलि महाराज ने एक यज्ञ किया, यज्ञ से एक रथ निकली, जो रथ के ऊपर बैठ करके देवता स्वर्ग में आक्रमण की, सारे देवता को भगा दिए और इंद्र पद को दखल कर लिए। अभी माता अदिति ने श्री जाती हैं कश्यप जी को पास में, बताओ मुझको क्या करनी चाहिए। बोले 12 दिन का के पय व्रत कर तो भगवान स्वयं वामन बन करके आए। पय व्रत की तो ठाकुर जी वामन बन करके आए, ले वामन भगवान को। बोले श्री वामन भगवान की, बोले श्री वामन भगवान की। अभी श्री वामन भगवान आ रहे हैं, बृहस्पति जी इनकी पूजा की, उपनयन संस्कार की, नियम है उपनयन संस्कार के बाद हमको कुछ गुरु दक्षिणा देनी चाहिए।
बोले भैया क्या गुरु दक्षिणा चाहते हो? बोले छोटे मोटे चीज नहीं, मेरे को स्वर्ग राज्य को दो। अरे उन्होंने स्वर्ग में हैं, स्वर्ग राज्य को भिक्षा रूप में दो। जब श्री बलि महाराज के पास में पहुंचे, बलि महाराज बोले मेरे जीवन धन्य हो गया है ठाकुर जी को चरण की सेवा करते हुए। बोले ऐसे मैं आपको भिक्षा दूंगा विश्व ब्रह्मांड में, अब कहीं आपको झोली पसारने का जरूरत नहीं। बोले पहले आप संकल्प करो, फिर मैं आपको मांगूंगा। जब संकल्प करने जा रहे थे, इतने में शुक्राचार्य आए, बोले बलि सावधान। बोले किस चीज का सावधान? इधर ले आओ बच्चा, इधर आ जाओ। बोले बलि सावधान, बैठ जा कहीं पर, बैठ। मेरे को देखो, मेरे को देखना ही भूल गया। हरे कृष्ण। बोले बलि सावधान। बोले किस चीज की? बोले तुम्हें पता ये कौन है? बोले ये कौन है? बोले साक्षात विष्णु। पहले जो मोहिनी बन करके आपको अमृत से वंचित कर दिया, थोड़ा ऊपर रख लें, वही मोहिनी। ए सामने कोई खड़े मत हो। अरे सामने की खड़े हो, कथा को सामने कोई खड़े मत हो भैया। इसलिए वो जो मोहिनी है ना, वही मोहिनी अभी मोहन बन करके आया है। देखो ये तीन कदम जमीन मांग रहा है, ये तीन कदम ने त्रिभुवन ले जाएगा। देखो ऐसे दान को श्रेष्ठ दान नहीं मानी जाती। अपना लिए कुछ रखा नहीं, सब कुछ दे दिया, ये भगवान इसको दान मत दिया करो। तब श्री बलि महाराज कहते भैया तुम गुरु कैसे गुरु हो? हैं गुरु का काम क्या है? अखंड मंडलाकारम व्याप्त जैन चराचरम तत्पद दर्शितम जन तस्मय श्री गुरु। गुरु का काम है जो भगवान कण कण में व्याप्त है, वो भगवान को जो दर्शन कराना ही गुरु का काम है। आप कैसे गुरु हो? साक्षात ठाकुर जी आए हैं, दुनिया उन्हीं की, वो मेरे पास में भिक्षा लेने के लिए आए हैं। आप कहते हो गुरु जी को गुरु दक्षिणा मत दिया, ठाकुर को मत दो, तुम गुरु कैसे हो? बोले मैं तो जरूर ठाकुर को दूंगा। बोले मैं गुरु हूँ, मेरे आदेश नहीं पालना करो। बोले नहीं, बोले तेरे को मैं अभिशाप देता हूँ, जा तो श्री भ्रष्ट हो जाओगे। बोले जो कुछ होना हो, लेकिन जरूर मैं ठाकुर को दूंगा दान दूंगा। हाँ देखो ध्यान देख रहे, सुने घर ध्यान देख रहे, यह है जगत में गुरु को त्याग नहीं देनी चाहिए, गुरु त्याग देना पाप है। लेकिन यहाँ बलि महाराज तो गुरु को त्याग दे दिए। बोले क्यों? यहाँ पर शास्त्र में बताया तभी गुरु को हम त्याग दे सकते हैं अगर गुरु असत मार्ग में अगर चले गए। पहले सदमार्ग में थे, लेकिन अभी वो असत मार्ग में चले गए, उनकी पतन हो गई, गलत रास्ता पर चले गए। शास्त्र कहता है अगर हम त्याग दे करके वैष्णव गुरु को अगर हम ग्रहण करते हैं, उसमें कोई दोष नहीं, उसमें कोई दोष नहीं। गुरु त्याग दे सकते हो, जैसे नहीं त्याग देनी चाहिए, त्याग के लिए भी आदेश दिया है। इतने में भगवान क्या किए, जब फिर संकल्प करने जा रहे थे, मुझे नार को अंदर में गुरु जी फिर कीड़े बन कर बैठ गए, कुछ से छेद किया ना, गुरु जी की एक आंख ही चली गई, फिर तो गुरु जी भागे। हाँ देखो ध्यान दो, इधर सुना, कहते अगर कोई अच्छे काम कर रहे हैं ठाकुर जी के लिए, कोई अच्छे काम कर रहे हैं, भक्ति का कोई काम कर रहे हैं ना भैया, उसमें टांग कभी अड़ाया मत करो, उसमें टांग मत अड़ाया करो, टांग अड़ाओगे ना फिर तुम कहां मर जाओगे। इसलिए भगवान को दान देने जा रहे थे, उसने टांग अड़ाया तो क्या हो गया, आंख ही गई। इसलिए नियम है, कहते ना भैया किसको अगर भलाई नहीं कर सकते हो, कभी इसकी बुराई मत किया करो, कभी भी बुराई किसकी मत करो। जब भलाई नहीं कर सकते हो बुराई मत करो। और भागवत कथा की तो अनंत महिमा है, भगवान स्वयं कहते हैं अगर कहीं भागवत कथा हो रही है, तुम इतनी सी केवल बोल दो भागवत कथा हो रही है, अच्छी बात है। अगर इतना कोई बोल दिया ना, बोले तुम जितने बड़े से बड़े पापी क्यों नहीं हो, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और तुम भगवत धाम को जाओगे। इसलिए अच्छे काम में कभी टांग नहीं लगानी चाहिए। फिर तो गुरु जी भागे, शुक्राचार्य भाग गए, ठाकुर जी एक पद को भूर हुआ मोह जन तप सत्य लोक तक बढ़ाया। ब्रह्मा जी वो चरण को पूजा करते हुए जो पानी का मंडल रखे, वही पतित पावन श्री गंगा देवी बनी। बोले श्री गंगा देवी की दूसरे पद को अक्कर की तरफ चला कर सुतन लोग को चला दिया। बोले बताओ तीसरे पद कहाँ पर रखे? उन्होंने गरुड़ जी को बुला करके बांध दिया। जब बांध दिया, इतने में उनका जो पत्नी थी ना विंध्यावली,
बहुत अच्छी स्वभाव की। बोले आपने ठाकुर को क्या दिया, जो ठाकुर का दुनिया ठाकुर जी का, ठाकुर को दुनिया को ले लिया, खुद को तो दिया ही नहीं। जब तक खुद को खुद नहीं दोगे थोड़ी देना होता है। बोलो ना सर पर रखे ठाकुर जी चरण, इतने खुश हो गए। भैया पत्नी ऐसे होनी चाहिए, देखो कहते पत्नी दो तरह के पत्नी है, कितने तरह के है, कैसे, एक धर्म पत्नी और एक धन पत्नी। धर्म पत्नी किसको कहते हैं, पति के दुख में दुखी, पति के सुख में सुखी रहो, कंधे में कंधे मिला करके उनको साथ में चलनी चाहिए। ऐसे नहीं पति को पास में जब पैसा तब तक रहे, उसी कारण से थोड़ी गड़बड़ी और तू जान ले जाने, नहीं ऐसे नहीं। इसलिए उसको कहते धन पत्नी। और धर्म पत्नी किसको कहते हैं, हर समय पति को साथ में कंधे में कंधे मिला करके जो रहे। बोले भैया तू सचमुच से पत्नी हो, अभी तुम्हें सोच में पड़ गया था, अभी मैं क्या दूं, क्योंकि विश्व ब्रह्मांड को ठाकुर जी ले लिए, अभी ठाकुर को मैं क्या दूं, सोच में पड़ गया था। बोले सचमुच से तेरी जैसे पत्नी दुनिया में कहीं होंगे नहीं। ठाकुर जी बोले श्री बलि महाराज बोले ये बताओ, दान बड़ा ना दानी बड़ा। बोले दानी बड़ा, बोले आप तो दानी लिए, स्वयं दानी बाकी है, इसलिए बोले कहाँ चरण रखे, बोले मेरे सर पर चरण रखो। ठाकुर जब सर पर चरण रखते ही सारे देवता लोग देख करके बोले श्री बलि महाराज की जय। बोले जिस चरण को पाने के लिए बड़े बड़े देवता लोग भी तरसते हैं, आज ठाकुर दुर्लभ चरण बलि महाराज का सिर पर दिए, उनको सुतल लोक में भेज दिए। बोले बताओ तुमको क्या वर चाहिए। बोले प्रभु जब जब घर से निकले तुम्हारे दर्शन हो, घर से बाहर जाए बाहर से घर में आए तो आपका दर्शन होते रहे। ठाकुर जी फिर दरुआन रूप धारण करते, भगवान दरुआन बन जाते हैं। बोले भक्तों का प्रेम में ठाकुर जी इतने वशीभूत हो गए। बोले श्री वामन भगवान की जय। अभी देखो अभी वामन भगवान आपके पास में कुछ भिक्षा लेने के लिए जाएंगे, और ठाकुर जी को भिक्षा देने का बहुत पुण्य है। जैसे सुदामा ने दो मुठ चिड़वा दिया, ठाकुर त्रिभुवन का राज्य दे दिए। भगवान हमें सारा जीवन ठाकुर जी हमें खिलाया पिलाया, अभी ठाकुर जी स्वयं भिखारी बन करके आपसे मांगने के लिए जाएंगे। आप लोग कुछ कुछ भगवान को कुछ कुछ भिक्षा देना, भगवान को भिक्षा देने का बड़ा महत्व। बच्चा जाओ तो इनको ले जाओ तो भिक्षा मांग रहे। बाल खड़ा अगिवा भगत भर रे भगत भर Yeah.
कन्हैया लाल की अभी गाना आ रहे कृष्णा आ रहे भैया नंद जसदा को तैयारी बना दो विशाखा दीदी है कि हाँ तैयारी है ना हाँ ठीक है वो कृष्णा जिसको बनाया है कृष्णा उसको टोकरी में बना करके लेकर के आए ठीक है मैं जब बुलाऊंगा तब आना ठीक है अभी घर बैठना जब मैं बुलाऊंगा तब जाना बोले कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सुरजयो राज्ञाम चोभय वंशना चरितम परमाद्भुतम बोले भागवत में दो वंशावली की कथा है एक सूरज वंश और एक है चंद्र वंश सूरज वंश में भगवान श्री रामचंद्र जन्म हुए बोले श्री सियावर राम चंद्र की और चंद्र वंश में भगवान कृष्ण जन्म हुए कहते वंश में यद्यपि बहुत बड़े बड़े राजा आए हैं लेकिन सबसे प्यारी कथा किसकी है बोले भगवान राम तुम बेटे खड़े रहो इसलिए भगवान राम और भगवान कृष्ण इनकी कथा सबसे प्यारी कथा है अभी दसवें स्कंद में कृष्ण कथा बोलेंगे जैसे टीवी में सीरियल देखते हैं ना ऐसे ही सुखदेव गोस्वामी का हृदय में पूरा ठाकुर जी का सीरियल उतर कर आ गया और ठाकुर जी के लीला को देख देख कर इतने खुश हुए जैसे अगस्त ऋषि ने एक गंडूस घर में पूरा उन्होंने समुद्र पानी पी लिया उसी तरह श्री सुखदेव गोस्वामी एक श्लोक बोल करके पूरी भागवत को खत्म कर दिया बोले उन्होंने क्या बोले बोले कैसे कृष्णा मथुरा में कंस के कारागार में प्रकट हुए और ठाकुर जी कैसे गोकुल में आए और गोकुल में नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जैसे बड़े धूमधाम से उत्सव हुई उसको बाद में कृष्ण ने पुतना को मारे त्रिणावर्त को मारे अघासुर बकासुर को मारे ठाकुर जी कालिए के सिर पर नृत्य की पर ठाकुर जी गिरिराज गोवर्धन उठाए पर ठाकुर जी गोपियों को साथ में कैसे महाराज किए मथुरा में कैसे कंस को उद्धार की और कृष्ण द्वारका में जाकर के 16108 पटरानियों से शादी की और हर पत्नियों से 10-10 बेटा एक एक बेटी हुई और ठाकुर जी कैसे अभिशाप को ग्रहण करते हुए प्रभास क्षेत्र में ठाकुर गए और अपना लीला को उन्होंने अंतर ध्यान करके ठाकुर जी धाम में चले गए बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की इतना बोल करके सुखदेव गोस्वामी तो चुप हो गए जब चुप हो गए इतने में परीक्षित महाराज बोले क्या हो गया कृष्ण कथा बोले पूरी बोल दिया ना पूरी तो कृष्ण कथा बोल दी बोले मैं तो चार चार दिन से इसलिए मैं बैठा हुआ हूँ कृष्ण कथा सुनने के लिए कृष्ण मेरे कुल देवता जब मैं माँ की पेट में था अस्वस्थ मैं मारने के लिए कोशिश की ठाकुर ही मेरे को बचाए वो मेरी कुल देवता है केवल कृष्ण कथा सुनने के लिए मैं 3 दिन से बैठा हुआ हूँ लेकिन आप तो एक श्लोक बोल करके सारी कृष्ण कथा सुना दिए मेरे को आनंद नहीं मिला आप विस्तृत रूप में कृष्ण कथा सुनाओ तब श्री परीक्षित महाराज श्री सुखदेव गोस्वामी बोले परीक्षित चार चार दिन हो गया तुम एक बूंद पानी तक भी नहीं पिया थोड़ा पानी तक पी लो बोले प्रभु ये पानी के लिए जितनी गड़बड़ी हुई ना फिर पानी की बात कह रहे हो आपके मुखचंद्र को दर्शन करते हुए कृष्ण कथा सुन सुन करके मेरे को बड़ा आनंद आ रहा है बड़ा तृप्त हो रहा है आप कृष्ण कथा को बंद मत करो कथा को कंटिन्यू बोलते रहो नहीं तो मेरे को प्यासा लग जाएगी फिर श्री सुखदेव गोस्वामी कृष्ण कथा सुनाए कैसे ये कंस बड़ा अत्याचार किया पृथ्वी को भर में इतना अत्याचार के पिता को उन्होंने जेल में बंद कर दिए बोले खबरदार मेरे देश में कोई यज्ञ नहीं कर सकते हो मेरे देश में कोई ठाकुर का नाम नहीं कर सकते हो जो ठाकुर का कीर्तन भजन करके जेल में बंद कर दूंगा सारे साधुओं को उन्होंने जेल में बंद कर दिए और साधु संत बैठ बैठ करके जेल में बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 राधा रमैया हरि गोविंद जय 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 राधा रमैया हरि गोविंद जय जय कीर्तन कर रहे हैं अभी कंस दुष्ट लोग का अत्याचार से पृथ्वी बड़ी दुखी हो गई उन्होंने ब्रह्मा जी को शंकर जी को पास में गए इंद्र सब को लेकर के पुरुष सुक्त मंत्र से खीर समुद्र में भगवान को पुकारे आकाश वाणी हुई हे देवताओं तुम्हारी दुख को मैं समझ गया हूँ तुम लोग
जाकर के जदुवंश में जन्म ग्रहण करो, देवियां तुम लोग गोकुल में जन्म ग्रहण करो, मैं जल्दी जल्दी आ रहा हूँ, चिंता मत किया करो। अभी ठाकुर जी आने वाले, एक दिन कंस देवकी को शादी करवाए, बहुत कुछ दहेज रूप में दिया। जब विदाई दे रहा था ना, बीच में आकाशवाणी हुई, बोले रे मुड़ा कंस, जिस देवकी को तुम इतने आनंद पूर्वक विदाई दे रहे हो, इसकी अष्टम गर्भ का संतान तेरे काल बनेगा। वसुदेव कंस ने देखा ये देवता का वाणी कभी झूठी नहीं होगा, इसलिए न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तलवार निकाल करके चोटी पकड़ कर जब मारने जा रहा था, वसुदेव ने साम ताम दंड भेद नीति से उनको बचाने के लिए कोशिश की, तब भी मानना सुनना नहीं चाह रहा था। बोले देख मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, सारे बच्चे को मैं तेरे को दे दूंगा। अभी ठाकुर को जो इच्छा, पहला बेटा हुआ जब कंस को दिया, उसका हृदय द्रवित हो गया, अपना बेटे को काल को हाथ में खुश हो गया। ले बेटा तू इसको ले जा, अष्टम गर्भ का संतान से मेरे मतलब है। नारद जी ने देखा भैया गड़बड़ी हो गई, भगवान कब आएंगे जब पाप की घड़ा भरेगी, लेकिन इसके हृदय में तो दया की भाव आ रहा है, ठाकुर आने में देर कर देंगे। इतने में नारद वीणा बजाते बजाते आए, बोले कंस अभी अभी मैं स्वर्ग से आ रहा हूँ, देखा ब्रह्मा सब देवता को लेकर मीटिंग कर रहे थे, जानते हो क्या कर रहे थे? बोले तेरे को मारने के लिए सबके सब प्लान करके आए, और आठ एक कमल फूल जिसमें आठ पंखुड़िया थी, बोले बताओ तो इसमें पहला कौन? बोले एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ। बोले उल्टा से गिनो, बोले एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ। बोले समझ गया? बोले गुरुदेव क्या बात है? बोले समझ में नहीं आया? बोले नहीं, बोले देवताओं का बात समझना बड़ा कठिन, अष्टम गर्भा का संतान बताया ना, तू तो इधर से एक दो कर रहे हो, अगर वो उल्टा से एक दो करे तो क्या होगा? जिसको तुम पहला कर रहे हो आठ हो जाएगा, और जब ये आठ बच्चे धीरे धीरे बड़े होंगे मिल करके मारेंगे। बोले गुरु जी सबको मैं मार दूं? बोले भैया मैं क्यों बताऊं, तू जानता तेरा बात जानता। भड़का दिए कंस को और नार को भाग गए वहां से, उसने एक एक करके छह छह बच्चे को मार डाले। बोले छह बच्चे कौन है? बोले काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य। अष्टम गर्भ में ठाकुर जी आए, शिक्षा देते हैं अगर कोई अपना हृदय में ठाकुर जी को बैठाना चाहते, पहले शत्रु को मारो। सबसे बड़े शत्रु कौन है? ये काम क्रोध लोभ, ये सबसे बड़े शत्रु, पहले ये शत्रु को मारो। अब सप्तम गर्भ में बलदेव, बलदेव कौन? बल आधार, पृथ्वी का स्वरूप, संधि शक्ति का अधिष्ठात्री देवता, जो भगवान को धारण करने वाले। और अष्टम गर्भ में कौन आते हैं? बोले श्री कृष्ण कन्हैया आते हैं, ये एक अर्थ है। दूसरा अर्थ सुनो, ध्यान से सुनो, बहुत अच्छी बात। कृष्ण अष्टम गर्भ में क्यों आए? जैसे क्लास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ही होता है, भक्ति का भी आठ सोपान है, सीढ़ियां है। भक्ति का जो पहला सीढ़ी श्रद्धा, जैसे आप सभी को अंदर में श्रद्धा है तभी तो कथा में बैठे ना, अगर श्रद्धा नहीं होता कथा में कोई आते ही नहीं। भक्ति का पहला स्टेज श्रद्धा, दूसरा साधु संग, यहाँ पर आए श्रद्धा है बैठे तभी साधु संग कर रहे हो कथा सुन रहे हो। तीसरा स्टेज किया, बोले भजन किया। भजन किया मतलब जब हम सत्संग करेंगे फिर पता चलेगा भाई हम कौन है, कहाँ से आए, जाना कहाँ, ये मानव शरीर क्या है, ठाकुर हमें ये मानव शरीर दिए तो दिए क्यों, जहाँ पता चलेगा भगवान की भक्ति के लिए दिया। आए थे हरि भजन को ओटन लग के पास, भक्ति के लिए आकर वो उल्टा काम में लग पड़े, फिर क्या करेंगे? फिर भजन करना शुरू करेंगे। जब भजन करेंगे चौथा स्टेज क्या? बोले अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति मतलब होता है जब भगवान की भक्ति करेंगे हृदय में जो काम क्रोध लोभ मोह धीरे 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 नष्ट होती जाएगा। जितने ठाकुर को भक्ति करेंगे उतना हमारी अनर्थ नष्ट होती जाएगा। उसको बाद में फिर रुचि, बोले रुचि मतलब क्या होता है? रुचि मतलब होता है टेस्ट। जैसे घर में कोई बढ़िया चीज बने ना, बोले भैया और थोड़ा दो और थोड़ा दो और बढ़िया लग रहा है, उसी तरह अभी हमको भक्ति में रुचि नहीं लग रहा है। क्यों? अंदर में पाप है, पाप रहेगा तो ब्रह्म के भजन में रुचि नहीं होता है, लेकिन जब ये पाप नष्ट हो जाएगी फिर भगवान की कथा भजन में इतनी अच्छी लगेगी, इतनी अच्छी लगेगी भजन भर छुटेगी नहीं। उसको बाद होता है निष्ठा। निष्ठा मतलब क्या है? भक्ति में इतने पक जाओगे, इतनी निष्ठा हो जाएगी। जैसे मीरा का जीवन में
जब भजन कर रहे थे कितने बाधा विपत्ति आई, लेकिन मीरा ने भजन थोड़ी छोड़े। भले ही सारा दुनिया छूट गए, लेकिन मीरा ने अपना भजन नहीं छोड़े, प्रभु की भक्ति कभी नहीं छोड़ी। जब पक्की निष्ठा हो जाएगी ना, भले ही जीवन में जो कुछ आ जाए, भगवान का भजन कभी वो छोड़ने के लिए तैयार, उसको निष्ठा, उसको बाद में आसक्ति। आसक्ति मतलब आसक्ति, उसको बाद में प्रभाव। भावावस्था में क्या होता है, कभी कभी ठाकुर जी की मीठी मीठी बंसुरी की आवाज सुनने को मिले, कभी कभी ऐसे लगेगा ठाकुर की चरण में जो रुकुर ना छम 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 जब आवाज सुनने को मिलेगी, कभी ऐसे लगेगा हमारा ठाकुर जी आए मेरे को स्पर्श कर दिया, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आंखों से आंसुओं की झरी बहने लग जाएगी। कभी कभी ठाकुर जी जैसे कोई अधरा मृत पिला करके चले गए, अपना मुंह को चाटने लग जाओ, ये भावावस्था है। और प्रेमावस्था अष्टम स्टेज में प्रेम मतलब साक्षात ठाकुर जी हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे, ठाकुर जी का दर्शन हो जाएगा, ये अष्टम स्टेज है। इसलिए ठाकुर जी अष्टम स्टेज में आए। अभी ठाकुर जब गर्भ में आए तो त्रिस्तरण देवता भगवान को स्वागत कर रहे, बोले सुस्वागतम कृष्ण। देखो ठाकुर जी आ रहे ना, सारे देवता लोग भी ठाकुर को स्वागत करते हैं। आप भी थोड़ा हाथ में ताली बजाते हुए ठाकुर को स्वागत करो, थोड़ी एक मिनट रुक गया, इसलिए ठाकुर जी का स्वागत करो, बोले सुस्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, सुस्वागतम सुस्वागतम मंत्री क्या क्या होगा। आज कौन आ रहे हैं, विश्व ब्रह्मांड का पालन हार आ रहे, साधारण व्यक्ति नहीं, इसलिए वृंदावन धाम तो दुर्लभ जैसे सज गई, आनंद की सीमा नहीं, जमुना नदी कलकल नाद से बह रही है और कृष्ण की जय जयकार कर रही थी, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। में आनंद नहीं आया, कुछ जय कुछ हे बोल रहे। अरे ठाकुर जी को जितने जोर से जय दोगे ना उतना पाप घटेगी, उतना पुण्य उदय होएगा। इतने जोर से जय दो पता चले जाए कलयुग में कथा हो रही है, जैसे छत उड़ जाए पूरा जोर से, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अब लग रहा है जैसे कथा हो रही है। अभी ठाकुर जी आ रहे हैं, इसलिए सारा दुनिया में जय जयकार हो रही थी। कृष्ण बुधवार का दिन अष्टमी का रात्रि में चंद्रमा आधा होती है, लेकिन चंद्रमा पूर्ण चंद्र रूप में प्रकट हो गई और आकाश में काला मेघ छा गया, सारा दुनिया जय जयकार, पृथ्वी दुल्हन जैसे सज गई, रात में कमल फूल खिल गया, जुई बेली चमेली सारे फूल खिल गए। कंस ने कहा था देखो मेरे देश में कोई ठाकुर का नाम नहीं कर सकता है, कोई हवन नहीं कर सकते, लेकिन जब ठाकुर जन्म होने वाले ना, सारे संतों के हृदय में इतनी आनंद छा गया, बोले भैया हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है, हम तो ठाकुर का नाम खूब करें, क्यों हमारे ठाकुर जी आ रहे ना। इसलिए जितने संत लोग थे जोर जोर से बोला हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। अगर हवन सामग्री के अपनी आप यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो गई, अपनी आप यज्ञ प्रज्वलित हो गई, सारा दुनिया भगवान के नाम कीर्तन कर रहे थे। इतने में भगवान रात बीच में देवकी वसुदेव कंस की जेल में ठाकुर जी चतुर्भुज रूप लेकर प्रकट हुए। जब ठाकुर जी चतुर्भुज लेकर प्रकट हुए, देवकी बोली प्रभु मैं तो अपना बच्चे रूप में प्रार्थना किया था, आप तो ये चतुर्भुज रूप लेकर के
चमकीले चमकीले कपड़े और शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हुए हो, बोले इसलिए शंख चक्र गदा पद्म लिया। कंस मामा के तुम्हारे छह छह भाई मार दिया ना, अगर उल्टा पुल्टा किया ना मैं पहले ही सब धज करके आया हूँ, चलूंगा नहीं। इस बार मामा को नहीं चढ़ा, इसलिए पहले से ही ये चतुर्भुज रूप लेकर के आया हूँ। बोले प्रभु आप चतुर्भुज क्यों लिए? बोले देखो पूर्व जन्म में तू कृष्ण सुत बाते मेरी कठोर तपस्या की, केवल पत्ते खा खा कर 10,000 साल। मैंने कहा ब्रह्मा को, तुम दोनों ने बोले प्रभु हमारी बेटा बन कर के आओ। मैंने कहा मेरे जैसे तो कोई होता ही नहीं, ठीक है मैं बेटा तुम्हारी बन जाऊंगा, अभी मैं छोटा बच्चा बन जाऊंगा, मेरे को गोकुल में ले लेना, वहां पर बेटी जन्म हुई और मेरे को वहां रखे थे ना, बेटी को ले आना। बोले प्रभु जाऊं कैसे, हथकड़ी बड़ी पड़ी हुई, बड़े बड़े ताला, बड़े बड़े दरवाजा, पहरेदार बैठे जगे हुए। बोले कोई चिंता मत करो, केवल मेरे को अपना सर पर रख लो, अपने आप दरवाजा खुल जाएगी, अपने आप पहरेदार सो जाएंगे, अपने आप सारे काम हो जाएगा। मतलब क्या है? देखो ठाकुर जी शिक्षा देते हैं, अगर घर में कोई काम कर रहे हो ना, ऐसे नहीं सारा दुनिया को बुला कर खिला रहे हो पिला रहे हो नचा रहे हो उल्टा पुल्टा कर रहे हो, लेकिन ठाकुर जैसे तैसे बैठे हुए, ठाकुर एक कपड़ा पहन कर बैठे हुए, ठाकुर को भोग नहीं, ठाकुर के सारे भूतों को अड्डा खाना बना करके मांस मदिरा खिला करके नाच रहे हो डिस्को डांस में, जिसने तुम्हें सब कुछ दिया चुपचाप घर में बैठा, उसके लिए कोई खाना पीना नहीं, उसके लिए कोई सेवा की काम नहीं, सारे भूतों को नचा रहे हो उल्टा पुल्टा खिला पिला कर तुम नाच रहे हो, नहीं ऐसे नहीं करनी चाहिए। पहले ठाकुर को पहले ठाकुर के लिए बच्चे के लिए पोशाक लेने से पहले ठाकुर के लिए पोशाक लाओ, दूसरों को खिलाने के लिए पहले देखो ठाकुर के लिए कुछ प्रसाद है कि नहीं, पहले भगवान के लिए फिर दुनिया के लिए करो। भगवान को आगे लेकर करोगे ना, देखना कितना करते हो तुम कन्या सारे नाम हो रहा है तेरी कृपा से सारे काम। तो ठाकुर को सर पर धर दो, सर पर धरते ही दरवाजा अपने आप खुल गया, हथकड़ी बड़ी अपने आप खुल गई, रिमझिमी बारिश हो रही थी, अनंत देव छत्र रूप में आ गए, जब यमुना में प्रवेश की लबाल पानी लहरी आ रही थी, इतने में यमुना पटरानी सोच रही थी कम से कम मैं तो ठाकुर का कहना करने जरूर, यमुना पानी उठाने लग गई और यहाँ तक यमुना आ गई, वसुदेव महाराज डर गए, ऊपर उठा दिया, बोले भैया कोई हो तो ले लो लाला को, अभी भी एक गांव का नाम है को ले। फिर उन्होंने कैसे वहां पर गए बेटा लेकर बेटी लाए, फिर हम इस कथा को सुनेंगे कल, कल सवेरे बढ़िया सुंदर कथा सुनाऊंगा, कृष्ण कैसे गोकुल में जन्म हो गया नई कथा सुनाऊंगा, लेकिन वही सुन पाओगी जो पहले पहले आओगी, ऐसे नहीं कथा को बाद में, इसलिए कोशिश करना एकदम 2 बजे से पहले आ जाओ, हम कोशिश करके 2 बजे बैठ जाएंगे और कथा शुरू कर देंगे। ले आओ भैया ले आओ। बोले सुस्वागतम कृष्ण, सब ताली ताली बजा करके इनके लिए दो चेयर दे दे, तो उनका पत्नी कहाँ है, ठाकुर जी को फूल दो, सबका हाथ में फूल दे दो, सबका हाथ में थोड़ा सा फूल दे दो, सब फूल लेकर ठाकुर को फूल से स्वागत करो। बोले सो स्वागत कृष्ण, सो स्वागत कृष्ण, हरे कृष्णा।
अभी प्रभु जी बधाई गाएंगे, सबके सब बधाई में नाचना। और देखो और एक चीज तो सावधान सुनो, किसकी गले में अगर सोने की चैन पहन हो ना, कोई भी सोने की कोई चीज पहन करके आए हो, अपने आप गर्चा करना, कभी पुतना आ जाती है बीच में, पुतना से बच कर रहना। इसलिए प्रभु जी सुंदर बधाई गाएंगे, सबके सब नाचना और सबके सब सखी चलो लाला के दर्शन सखी चलो ठाकुर जी के लिए, तो वो आ सकते हैं बारी बारी से। जिनको भी अपनी भेंट के लिए कर सकते हैं, और जो नाचने वाले वो घोड़े बाकी के बन जाए। I'm